वेलकम टू फरीद एकेडमी, दिस इज माय टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथ्स 2 चैप्टर 3 सर्कल 10th क्लास। हम यहां पर देखेंगे लेट्स रिकॉल एन एक्टिविटी वन जो पेज नंबर 47 और 48 पर दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं यहां पर लेट्स रिकॉल से। तो देखें यहां पर लेट्स रिकॉल में क्या दिया हुआ है। यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग सर्कल लाइक सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। ऑल्सो रिकॉल द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल्स एंड द इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। रिकॉल करना है तो हमको 9th की बुक लेनी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर 9th की बुक में यहाँ पर सर्कल और उससे रिलेटेड टर्म्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है। द सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन, एक 2D प्लेन में जो सेट ऑफ पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा। द सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस, जो सेट ऑफ पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है किससे, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट जो सेट ऑफ पॉइंट रहेगा इज कॉल्ड अ सर्कल, उसी को हम सर्कल बोलेंगे। अब सम टर्म्स रिलेटेड विद अ सर्कल, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। जो फिक्स पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा आपका, सेंटर ऑफ अ सर्कल रहेगा, सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब रेडियस की डेफिनेशन, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, द सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल एंड अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे रेडियस। और दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है रेडियस की, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो इस जो डिस्टेंस रहेगा सेंटर ऑफ सर्कल से पॉइंट ऑन अ सर्कल, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। अब सेगमेंट की डेफिनेशन, द सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन अ सर्कल, सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द सेगमेंट, इज कॉल्ड द कॉर्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। तो कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो जो कॉर्ड कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ ए सर्कल से पास होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर, उसको हम बोलेंगे डायमीटर। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो डायमीटर क्या होती है, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल होती है। और यहां पर हमको क्या दिया हुआ था, ऑल्सो रिकॉल द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो यहाँ पर बुक में दिए गए 9th की बुक में कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, द सेम रेडियस। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का क्या रेडियस क्या होता है, सेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 2 सेंटीमीटर रेडियस है तो इसका भी रेडियस क्या रहेगा, दूसरे भी सर्कल का अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ पे दो डिफरेंट सर्कल है, सर्कल ए और सर्कल बी, तो दोनों का अगर रेडियस इक्वल रहेगा या डायमीटर इक्वल रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, द सेम रेडियस और सेम डायमीटर, सेम डायमीटर्स। अब देखिए कोसेंट्रिक सर्कल यहाँ पर सेकंड है, यहाँ कॉन्ग्रुएंट सर्कल कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो कोसेंट्रिक सर्कल का डेफिनेशन, द सेम सेंटर विद डिफरेंट रेडियस, विद डिफरेंट रेडियस। तो कोसेंट्रिक सर्कल किसको बोलेंगे, कि ऐसे सर्कल जिसका सेंटर सेम है और रेडियस अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 सेंटीमीटर है रेडियस, इसका 2 सेंटीमीटर है, इसका 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरह का सेंटर जिसका, इस तरह के सर्कल जिनका रेडियस अलग अलग है, रेडियस आर डिफरेंट एंड सेंटर इज ओनली वन, फिक्स्ड वन, दे आर शेयरिंग द सेम सेंटर, तो दिस काइंड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द कोसेंट्रिक सर्कल्स। सो नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, तो यहाँ पे दो टाइप के इंटरसेक्शन होता है, सर्कल हो सकता है। इंटरसेक्टिंग इन अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल्स। तो यहाँ पर डिफरेंट सेंटर्स, डिफरेंट रेडियस, ओनली वन कॉमन पॉइंट। सो दे आर टू सर्कल्स वी आर इंटरसेक्टिंग एट ओनली एट वन पॉइंट, बट दे आर इंटरसेक्टिंग एक्सटर्नली एंड हियर द टू सर्कल्स आर गिवन इन दैट दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट, बट दे आर इंटरसेक्टिंग इंटरनली। सो नेक्स्ट वन इज, उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला कौन सा है, सर्कल इंटरसेक्टिंग टू पॉइंट्स। यहाँ पे दो सर्कल दिए हुए हैं जिनका जो एक दूसरे को दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट सेंटर, डिफरेंट रेडियस, टू कॉमन पॉइंट्स। यहाँ पर दोनों सर्कल पर ये दो कॉमन पॉइंट है जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका लेट्स रिकॉल। अब हम लेट्स रिकॉल में एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल
यहाँ पर यह रह गया इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, तो ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लेस रिकॉल में इंटीरियर क्या होता है, द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज लेस देन द रेडियस। तो इंटीरियर वो होता है सर्कल का जिस सेट ऑफ पॉइंट होता है जो जिनके जिसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से कम होता है, रेडियस से कम रहेगा, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट को जो रेडियस से कम है, जिनका डिस्टेंस रेडियस से कम है, उसको हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल क्या है, द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट इन द प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ग्रेटर देन द रेडियस। तो एक्सटीरियर क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर और दो चार पॉइंट ले लेते हैं, तो ये हो गया एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो ऐसे सेट ऑफ पॉइंट का डिस्टेंस जिनका ऐसे सेट ऑफ पॉइंट जो जिनका डिस्टेंस सेंटर से ग्रेटर देन रेडियस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी की तरफ, एक्टिविटी हमको जो दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए एक्टिविटी में क्या मेंशन किया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये आपको यहाँ पर बुक में 10th क्लास की बुक में फिगर दी हुई है, फिगर 3.1 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, फिगर 3.1। तो यहाँ पर जो फिगर दी हुई है इसमें क्या दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट डी इज अ कॉर्ड, सेगमेंट डी क्या है, कॉर्ड है, और सर्कल का सेंटर क्या है, सी है, विद सेंटर सी, सेगमेंट सी एफ ये परपेंडिकुलर है डी ई पर, इफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर क्या है आपका सर्कल का, डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, एंड डी ई 16 है, डी ई क्या है 16 सेंटीमीटर है, फाइंड सी एफ, आपको सी एफ फाइंड करना है, रिकॉल एंड राइट द थियरम्स एंड प्रॉपर्टीज विच आर यूजफुल टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द अबव प्रॉब्लम। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज रिकॉल करना है, रिकॉल एंड राइट द थियरम्स एंड प्रॉपर्टीज विच आर यूजफुल टू फाइंड द सोल्यूशन एंड सोल्यूशन ऑफ द अबव प्रॉब्लम, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, फर्स्ट प्रॉपर्टी। और सेकेंड है द विच आर यूजफुल, ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहेंगे वो यहाँ पर थ्री प्रॉपर्टी और थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज है, विच आर थ्री इन नंबर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, ये आपका है पाइथागोरस थ्योरम। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, रेडियस क्या रहेगा, हाफ रहेगा डायमीटर के। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था कि सेगमेंट सर्कल का जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है और जो इससे कॉर्ड है वो 16 सेंटीमीटर है, उसको हम सॉल्व करते हैं और सी एफ फाइंड करना है हमको, यहाँ पर सी एफ फाइंड करना है। तो गिवन है आपको डायमीटर गिवन है कितना है आपको 20 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस क्या रहेगा, हाफ ऑफ द डायमीटर, देयरफॉर डीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। सेगमेंट डी इक्वल है किसके, सेगमेंट डी ई इज इक्वल टू, सेगमेंट डी क्या है पर डी एफ प्लस एफ ई इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। वी नोट दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ ए सर्कल से उसके कॉर्ड पर, वो क्या करेगा, वो परपेंडिकुलर क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। सो देयरफॉर डी एफ कितना हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू एफ ई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो डी एफ हमको इंटरेस्ट किस में है, डी एफ में, क्योंकि यहाँ पर हमको राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, तो डी एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल डी एफ सी पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, इन द राइट एंगल ट्राइंगल डी एफ सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। सो डी एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर। सो डी एफ कितना है आपका 8 स्क्वायर,
CF आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है. सो 8 स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इज इक्वल टू DC. DC स्क्वायर कितना है? 10 स्क्वायर. तो CF अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे 8 स्क्वायर को RHS में. तो CF स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर. CF स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64. CF स्क्वायर इज इक्वल टू 36. CF स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर. टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. सो CF की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 6. हेंस द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर. तो इस तरह आपका यहाँ पर एक्टिविटी, लेट्स रिकॉल एन एक्टिविटी 1 जो आपका पेज नंबर 47 और 48 पर दी हुई थी, यहाँ पर कंप्लीट होती है. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय.